Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए बहुत मजा आए। वैसे मुझे लगता है सभी को गाने सुनने बहुत पसंद है, पर हमें कुछ ज्यादा ही है ना। लाइव गाने सुनने में ऐसा लगता है महफिल में बैठे हैं। Exactly. सामने हमारे इतने टैलेंटेड सिंगर्स गाना गा रहे थे, इनका फेवरेट सोनू गा रहा था, मेरी फेवरेट मंदाकिनी गा रही थी। बहुत मजा आया हमको बैठ कर यहाँ पर। एंड हम लोग 14 घंटे शूट करके आए हैं, मतलब हमें जब पता चला कि अपॉर्चुनिटी आज है हमारे पास कि हम बैठ कर लाइव सुने सबको, तो हमसे पता ही नहीं चला ना कैसे टाइम निकला। मतलब गानों के साथ पता ही नहीं चला कि क्या गाने गाते हैं सब, क्या टैलेंट है सब में। मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड एजे ही हैं। मैंने क्या किया? क्या नाचते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। कोई रोमांटिक गाना सुना दीजिए एजे आज हमें। नहीं, इन्होंने कहा है कि गुड्डन को जो सबसे ज्यादा पसंद करता है, नफरत नहीं। तो नफरत वाला गाना सुना दीजिए। नफरत वाला कोई गाना मुझे आता नहीं। देखिए, इनसे गाना ना हो पाएगा और मैंने गालियाँ तो आप लोगों से सुनना ना हो पाएगा, तो प्लीज आप इन्हें भी छोड़िए और मुझे भी छोड़िए। सारे कंटेस्टेंट ही मेरे फेवरेट है, इतना अच्छा गाते हैं, सभी में इतना सारा टैलेंट जैसे कूद कूद के भरा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा वाली फेवरेटिज्म मेरी है सोनू जी के साथ। तो सोनू गिल फ्रॉम अमृतसर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। क्या गाते हैं वो, तो सबसे खास बात उनकी है कि सारे रोमांटिक गाने गाते हैं और मुझे रोमांटिक गाने सुनना बहुत पसंद है, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। आज जब उन्हें लाइव गाते सुना तो फिर और बड़ी फैन हो गई। बॉलीवुड का फैन हूँ मैं तो। अंग्रेजी गाने समझ में आते पर मज़ा नहीं आता। बॉलीवुड के गाने हैं मेरा पर्सनल टेस्ट। मुझे तो वैसे सभी तरह के पसंद है गाने, पर हाँ थोड़ा सा ज़्यादा रोमांटिक के लिए प्लस 1 मार्क्स।